कार्स एंड बाइक्स डिटेलर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं डिटेलिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे लास्ट तक आप जरूर देखें। आज इस वीडियो में मैं शिवा के इस ऑल इन वन मल्टीपर्पज पॉलिश का टेस्ट और रिव्यू करने वाला हूँ होंडा के एविएटर स्कूटी पर, जो काफी गंदी हो रखी है। तो चलिए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल कार्स एंड बाइक्स डिटेलर में। तो चलिए शिवा के ऑल इन वन मल्टीपर्पज पॉलिश के रिव्यू और टेस्ट की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यह है आपके सामने शिवा का ऑल इन वन लिक्विड मल्टीपर्पज पॉलिश। इस पॉलिश के साथ आपको एक इस तरह का एप्लीकेटर स्पंज मिलता है। इस प्रोडक्ट में दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार आप इसे डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस जैसे पेंट हो गया, रबर, प्लास्टिक, विनाइल, डैशबोर्ड, इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे एक अच्छी शाइन आती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो इसका इस्तेमाल मैं आज एक होंडा एविएटर में करने वाला हूँ जो काफ़ी गंदा हो चुका है। इसका प्राइस आपको ऑनलाइन 142 रुपीज़ मिलेगा दोस्तों, इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है। तो आज इस होंडा एविएटर को डिटेल करने के लिए मैं थोड़ा क्लेबर का भी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि गाड़ी का जो पेंट सरफेस है वो काफ़ी रफ़ हो गया है और इस क्लेबर को इस्तेमाल करने के लिए मैं सोपी वाटर या साबुन पानी का इस्तेमाल करूँगा, जो कि लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। तो चलिए देखते हैं शिवा पॉलिश का परफॉर्मेंस कैसा होता है होंडा एविएटर में। तो दोस्तों, ये है होंडा के एविएटर स्कूटी जिस पर आज हम शिवा का ऑल इन वन मल्टीपर्पज पॉलिश टेस्ट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब है, काफ़ी गंदी हो चुकी है और इसके साथ साथ इसका जो डैशबोर्ड और प्लास्टिक ट्रिम्स वगैरह है वो भी काफ़ी फेडेड हो चुके हैं। तो पॉलिश अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम इसे प्रेशर वॉश करेंगे नॉर्मल, उसके बाद फोम वॉश करेंगे। फोम वॉश करने के बाद इसमें हम थोड़ा क्लेबर का इस्तेमाल करेंगे और फाइनली पॉलिश का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर की सहायता से पूरी स्कूटी को एक बार हम अच्छी तरीके से पानी से रिंस कर लेंगे, इससे इसके सतह में जो भी लूज डस्ट है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद हम इस पर फोम अप्लाई करके फोम वॉश करेंगे। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में मुझे बस एक बाल्टी से भी कम पानी का इस्तेमाल करना पड़ा। इस कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर से पानी का जो खर्च होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर इसके बारे में आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन को आप ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों, अब बारी आती है इस पूरे गाड़ी को अच्छी तरीके से फोम वॉश करने की। फोम वॉश करने के लिए मैं इस होममेड फोम स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसे आप अपने घर में ही आसानी से बना सकते हैं। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। मैं साथ ही आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस फोम स्प्रेयर में मैंने किसी भी तरह का वॉश एंड वैक्स या कार शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल किया है, क्योंकि कार वॉश शैम्पू से फिर इस पर एक शाइन आ जाएगी और मेरा जो टेस्टिंग है इस पॉलिश का वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फोम अप्लाई करने के बाद आपको पूरे गाड़ी को अच्छी तरीके से एक वॉश मिट से कॉन्टैक्ट वॉश करना है, ताकि इस पर लगे हुए जो भी सख्त डर्ट एंड ग्राइम है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। उसके बाद दोस्तों, हम इसके डैशबोर्ड और प्लास्टिक ट्रिम्स को एक टूथब्रश की सहायता से अच्छी तरीके से रब कर लेंगे, ताकि इस पर फंसा हुआ जो भी डर्ट है या गंदगी है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए। बीच बीच में थोड़ा सा शैम्पू वाटर हम इसमें स्प्रे करेंगे और फाइनली पूरे गाड़ी को एक बार अच्छी तरीके से हम रिंस कर लेंगे पानी से। प्लास्टिक ट्रिम साफ हो जाने के बाद हम पूरे गाड़ी को एक बार अच्छी तरीके से पानी से रिंस कर लेंगे, ताकि जो भी इसमें बचा हुआ शैम्पू वगैरह है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए, रिंस हो जाए। और उसके बाद हम इसके पेंट सरफेस पर क्लेबर का इस्तेमाल करेंगे। तो गाड़ी के ऊपर पॉलिश अप्लाई करने से पहले मैं गाड़ी के पूरे पेंट सरफेस पर अच्छी तरीके से एक बार क्लेबर का इस्तेमाल करूंगा। क्लेबर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे इसका जो पेंट सरफेस है वो छूने में थोड़ा रफ लगा, यानी इसके पेंट सरफेस पर थोड़ा बहुत माइक्रो कंटामिनेंट्स या बहुत ही महीन गंदगी है। इस क्लेबर के इस्तेमाल से वो महीन गंदगी निकल जाएगी और गाड़ी का पेंट सरफेस छूने में काफ़ी स्मूथ होगा, जिससे पॉलिश का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो दोस्तों, क्लेबर प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम एक साफ माइक्रोफाइबर टॉयल से पूरे गाड़ी को अच्छी तरीके से सुखा लेंगे और उसे थोड़ा बफ कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी को सुखाने के बाद ये इसका लुक शाइन काफ़ी कम है इस गाड़ी में, और इसका डैशबोर्ड भी अभी भी काफ़ी फेडेड लग रहा है। तो देखते हैं इस पॉलिश का इफेक्ट इसके डैशबोर्ड और इसके पेंट सरफेस में कैसा होता है। तो दोस्तों, इस पॉलिश को अप्लाई करने के लिए इस प्रोडक्ट के साथ दिए गए जो फोम एप्लीकेटर पैड है उसकी सहायता से आपको गाड़ी के पूरे सरफेस इंक्लूडिंग प्लास्टिक ट्रिम्स और डैशबोर्ड पर आपको इस तरीके से लगाना है, और लगाने के लगभग 4 से 5 मिनट के बाद आप इसे एक ड्राई माइक्रोफाइबर टॉयल से अच्छी तरीके से बफ कर सकते हैं एक अच्छी शाइन के लिए। इसे लगाते वक्त दोस्तों, इस पॉलिश का कंसिस्टेंसी मुझे नॉर्मल दूसरे सिलिकॉन पॉलिश की तरह ही लगा और इसका इफेक्ट मुझे डैशबोर्ड और प्लास्टिक ट्रिम्स पर ही थोड़ा अच्छा लगा। हालांकि पेंट सरफेस पर वैक्स के मुकाबले इसका डेप्थ उतना अच्छा नहीं था। एक बढ़िया पॉलिश दोस्तों प्रोटेक्शन के साथ साथ एक बढ़िया शाइन देता है, और उस पर वाटर बेडिंग होता है वो आपको आपके गाड़ी के पेंट को यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसे बफ करने के बाद दोस्तों, यह है आपके सामने इस गाड़ी का शाइन। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पॉलिश कैसा लगा, शिवा का ऑल इन वन मल्टीपर्पज़ पॉलिश। तो इसके बाद दोस्तों, हम इसके पेंट पर वाटर टेस्ट करते हैं, जो काफ़ी ज़रूरी है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं,
कि वाटर स्प्रे करने पर पानी काफ़ी ज़्यादा पेंट से चिपक रहा है, बिल्कुल भी वाटर बीडिंग और शीटिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब इससे उतना अच्छा प्रोटेक्शन आपकी गाड़ी को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।